हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर व्हाट इज अराउंड अस, सोशल साइंस बुक, सेमेस्टर वन, ग्रेड 8 से। धानवीन वाज रोमिंग इन द गार्डन विद हिज मदर। अब धानवीन जो था वो अपनी मदर के साथ बगीचे में घूम रहा था। व्हाइल वॉकिंग अ क्वेश्चन अरोज इन हिज माइंड। घूमते वक्त उसके माइंड में एक सवाल उठा। धानवीन आस्क्ड हिज मदर व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ। अब धानवीन ने अपनी मदर से पूछा कि हमारी ये धरती है किस चीज की बनी है। मदर रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे। तो मदर ने कहा कि तुम रोज जो है सूरज निकलता है उसे देखते हो। द सन टू हैज अ फैमिली विच इज नोन एज सोलर फैमिली। और ये जो हमारा सन है इसका भी एक अपना परिवार है, एक फैमिली है जिसको कि हम सोलर फैमिली के नाम से जानते हैं। अवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। और हमारी ये जो धरती है ये इसी सोलर फैमिली का एक हिस्सा है। The most important point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. जो सबसे बड़ी खासियत है कि पूरे जितने भी solar family में planets हैं उसमें earth एक ऐसा planet है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सही temperature है, पानी की availability है और air की availability है जिसकी वजह से जो लिविंग बींग्स हैं वो अपने आप को जिंदा रख पाते हैं या यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। जनरली इट इज बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिशन इज अर्थ। माना यह जाता है सूरज का वो हिस्सा जो कि जब बिग बैंग हुआ था या जो कोलिशन हुआ था उससे सूरज से अलग हो गया था वो अर्थ ही थी। एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल। जिस टाइम पर इसकी उत्पत्ति हुई उस टाइम पे ये भी एक फायरबॉल की तरह ही था। दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली। धीरे धीरे ये जो फायरबॉल है यानी जो इस आग का गोला था ये ठंडा होने लग गया। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। तो बहुत से जो एलिमेंट्स अर्थ के थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए और कुछ जो है सॉलिड फॉर्म में ही ठंडे हो गए। During this process, the elements which got transferred into solid are known as lithosphere. इसी प्रक्रिया के दौरान वो elements जो solid में convert हुए उनको जो है lithosphere कहते हैं। The elements which got transformed into liquid are known as hydrosphere. वो elements जो liquid में transfer हो गए उसको hydrosphere कहते हैं। The elements which got transformed into gases came to be known as atmosphere. और वो एलिमेंट्स जो गैस में कन्वर्ट हो गए उन्हें हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड व्हिच डेवलप्ड ड्यू टू लैंड वाटर एंड एयर केम टू बी नोन एज बायोस्फीयर। जो भी हम इंसान हैं या जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इस जगह पे जहाँ पर लैंड भी थी, वाटर भी था और एयर भी थी उस पर डेवलप हो पाए तो उस हिस्से को हमने बायोस्फीयर का नाम दिया। इन दिस वे द फोर स्फीयर्स केम टू इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। इस तरीके से चार स्फीयर्स हैं जो हमारी अर्थ पे एक तरह से एग्जिस्टेंस रखते हैं। लिथोस्फीयर, द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज लिथोस्फीयर। जिस स्फीयर पे हम रहते हैं वो है लिथोस्फीयर। लिथो मींस रॉक एंड स्फीयर मींस लेयर। तो लिथो का मतलब क्या हो गया? रॉक, पत्थर। और जो स्फीयर है उसका मतलब हो गया लेयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक। हमारा जो धरती की ऊपरी सतह है यानी जिस पर हम रहते हैं वो मिट्टी की बनी है या फिर उन सॉलिड मटेरियल की बनी है जैसे कि रॉक्स हैं। अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लिथोस्फीयर। तो धरती का 29% हिस्सा जो है वो लिथोस्फीयर से कवर्ड है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। और इस लेयर की जो थिकनेस है वो 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। The thickness of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. हाँ, ये जो thickness है lithosphere की, ये हर जगह धरती पे एक जैसी नहीं है। Similarly, their interior and exterior do not have identical physical features. इसी वजह से उनका जो अंदरूनी हिस्सा है या जो बाहरी हिस्सा है उनके जो physical features हैं वो एक जैसे नहीं है। It is mostly made up of substance like soils and rocks. ज्यादातर ये किन सब्सटेंस की बनी होती है? या तो soil की या फिर rock की। Landforms like mountains, plateaus, plains and valleys are seen on lithosphere. अब जिस तरीके के landforms हमें lithosphere पे देखने को मिलते हैं उनमें आपके mountains आते हैं, plateaus आते हैं, plains हो गए और valleys हो गई। Mountains पहाड़ी हो गई आपकी, plateaus छोटी पहाड़ियाँ हो गई और
जो प्लेन्स है वो मैदानी इलाका हो गया, वैलीज घाटी हो गई. द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे हम धरती के सेंटर की तरफ आते हैं टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है. द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा. जो पिघली हुई रॉक्स हैं धरती की अंदरूनी सतह में उनको हम मैग्मा बोलते हैं. देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप द प्रेशर एंड हीट. बहुत सारी गैसेस जो हैं धरती की अंदर सतह में मौजूद हैं जो कि ऊपर उठती रहती हैं प्रेशर और हीट की वजह से. बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग. लेकिन जो रॉक्स का प्रेशर है सरफेस पे अर्थ की वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है. दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन. और इसी वजह से जो है दोनों के बीच में बैलेंस रहता है. सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक. और इसी वजह से धरती का ये जो क्रस्ट है यानी जो सतह है ये टूटती नहीं है. When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and the volcano erupts. पर जब ये balance डगमगा जाता है तो crust टूट जाता है और volcano यानी ज्वालामुखी फटता है. Mummy, how is the lithosphere useful to us? अब lithosphere हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? Where we can construct our home if the lithosphere is not there? अगर lithosphere नहीं होता, ये ठोस जमीन नहीं होती, तो हम अपने घरों का निर्माण कहाँ करते? Without lithosphere, how can we get the water to drink, agriculture for food, minerals for industries and forests? फिर वही बात है कि lithosphere नहीं होता तो पीने का पानी कहाँ से आता, खाना के लिए खेती बाड़ी कैसे करी जाती, minerals industries को कैसे मिलते और जंगलों का फिर कहाँ नामो निशान होता. Draw a picture depicting all the details you observed in the lithosphere based on our कन्वर्सेशन. अब जो भी हमने बातें करी हैं इसके बेसिस पे आपको लिथोस्फीयर की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आपको सारे डिटेल्स दिखाने हैं. हाइड्रोस्फीयर. नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर. अब आपको बताते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में. द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ. हाइड्रोस्फीयर क्या हुआ? पानी वाला जो हिस्सा है अर्थ का उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. इट इंक्लूड्स द ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. अब इसमें जो है महासागर, सागर, तालाब, झरने, नदियाँ या जो पोखर होते हैं वो सब आते हैं. ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ द वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड. अगर धरती की सतह पे देखें तो पानी का हिस्सा ज़्यादा है बजाय ज़मीन के. हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस. हाइड्रोस्फीयर लगभग 71% अर्थ का सर्फेस कवर किए हुए हैं. A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. एक ऐसी water body hydrosphere में जो सबसे ज़्यादा पानी अपने अंदर समेटे हुए है उसे हम ocean कहते हैं. These oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. तो ये जो चार oceans हैं उसमें main जो है वो है Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, Indian Ocean और the Arctic Ocean. All these oceans are connected with each other. चारों ओशियंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सीज, बेज, स्ट्रेट्स, गल्फ्स एक्सेट्रा. वो वाटर बॉडीज जो नदी के वो जो जमीन होती है उसके किनारे होती हैं उन्हें हम ज़्यादातर सी, बेज, स्ट्रेट्स, गल्फ्स ये कहते हैं. द ओशियंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप. अब ये जो ओशियंस हैं अर्थ पे ये बहुत बड़े हैं, विशाल हैं और बहुत गहरे हैं. Valleys with depth of 10 to 11 kilometers are located at their bottom. In oceans के नीचे जो घाटियाँ हैं वो लगभग 10 से 11 किलोमीटर तक के उसमें डेप्थ में लोकेटेड हैं. The ocean bed has similar features like that of the surface of the earth. Ocean की जो bed है उसके भी बिल्कुल वैसे ही features हैं जैसे धरती की सतह के हैं. It has high mountains, plateaus, vast plains, valleys, etc. तो ओशियन के नीचे जो एक ज़मीन है वहाँ पर आपको सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे आपको धरती की सतह के ऊपर देखने को मिलते हैं. मम्मी, हाउ मच वाटर विल बी देयर इन द सीज सिंस सी इज वाटर इज सॉल्टी, इज इट यूजफुल टू अस. अब जो बच्चा है वो मदर से पूछ रहा है कि कितना पानी जो है समुद्र में होता है. अब क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? यस, ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. धरती पे जितना पानी है उसमें ओशियंस में जो है 97% पानी टोटल उसका मौजूद है. अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. अब 1/3 जो इसका बचा हुआ पानी है वो ज़्यादातर आइस कैप्स में है या ग्लेशियर्स यानी जमा हुआ है, ऐसा पोल्स पे है, हिमालयस पे है या बाकी और पहाड़ियों पे.
Some water is accumulated in the lakes and some flows in the rivers and some is stored in the interior of the earth as groundwater. कुछ पानी जो है वो तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, कुछ नदियों में बह जाता है और कुछ जो है धरती की सतह में जो है स्टोर हो जाता है, जैसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज लेस, यानी कि वो पानी जो पीने लायक है वो बहुत कम है. फ्रेश वाटर इज प्रीशियस, इसी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कीमती है. दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाई लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, इस फ्रेश वाटर की हम इंसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम ओशंस ओनली, और ये जो नमी चाहिए होती है बारिश होने के लिए वही मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का, जो सिर्फ ओशंस से आता है. वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेज एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज, जो भी बहुत ही कीमती केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट हो गया, फिश हो गई, ये सब सी में ही पाई जाती हैं. एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड, इन द सेम वे द सीज एंड द ओशंस हैव एक्वेटिक लाइफ इनसाइड देम, जिस तरह से धरती पर हमारे में ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जीवित होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह के हाँ कुछ भी हो सकता है, वो लैंड पे होते हैं. उसी तरह से सी और ओशन में भी एक एक्वेटिक लाइफ होती है जो उनके अंदर होती है. द ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स ऑफ ओशंस आर पोटेंशियल सोर्सेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक उसी तरीके से जो वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं, करेंट्स होते हैं ओशन का, इनका जो एक फोर्स होता है उससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है. बिसाइड दीज ओशंस आर ऑल्सो यूजफुल एज वाटरवेज, इसके अलावा ओशंस जो हैं वाटरवेज के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं.